साहस सरोकार। पीडब्ल्यूडी का ईटा जो है प्राइमरी के विद्या अध्यापक जो है बच्चों से ईटा चोरी करवा के जो है स्कूल के अंदर ले जा रहे थे। उन्होंने हमें पकड़ के ले गए अंदर से, बोले वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा दूंगा। और ये सूरत पत्रकार जो है वीडियो बना रहे हैं तो पहुंचे और सूरत पत्रकार को जो है गला दबाने लगे और मोबाइल उनका छीन लिया अंदर, और ये करते हुए पकड़ के अंदर घसीट कर ले गए। उन्होंने फेंक वीडियो बनाना शुरू किया तो उनका ताला पकड़ के आई कैमरा लग गया। तो सुना आपने, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की बर्बरता को देखा है, जिसमें एक स्थानीय पत्रकार भी शामिल है। इस दौरान उसके साथ भी प्रिंसिपल ने अभद्रता की है। पीडब्ल्यूडी का ईटा जो है प्राइमरी के विद्या अध्यापक जो है बच्चों से ईटा चोरी करवा के जो है स्कूल के अंदर ले जा रहे थे। उन्होंने हमें पकड़ के ले गए अंदर से, बोले वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा दूंगा। और ये सूरत पत्रकार जो है वीडियो बना रहे हैं तो पहुंचे और सूरत पत्रकार को जो है गला दबाने लगे और मोबाइल उनका छीन लिया अंदर, और ये करते हुए पकड़ के अंदर घसीट कर ले गए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भले ही बालश्रम पर रोक लगा रखी है, लेकिन रायबरेली की एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मजदूरी करते देखा जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानाध्यापक कैसे बच्चों से मजदूरी कराते हुए दिख रहे हैं। क्या है पूरा मामला जानते हैं वहाँ पर मौजूद लोगों से। इसमें जो है कि 2023 का यूपी बोर्ड परीक्षा चल रहा था, तो इसी के सिलसिले में हम आज स्कूलों में निकले थे, तो रास्ते से गुजर रहा था तो ग्राम सभा एक मटका पड़ा, तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का ईंटा जो है प्राइमरी के विद्या अध्यापक जो है बच्चों से ईंटा चोरी करवा के जो है स्कूल के अंदर ले जा रहे थे। उसके बाद जब हमने ये देखा तो हमने वीडियो बनाना चालू किया। उसके बाद हमसे पूछे आप कौन है, हमने बोला मैं सूर्या टीवी का पत्रकार हूँ। तो उन्होंने हमें पकड़ के ले गए अंदर से, बोले वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा दूंगा और तुमको अभी यहीं पर मारूंगा। अरे कल्लू, आज हम जो है रोड से जा रहे थे तो सूरत पत्रकार हैं एक अग्रहरी जो डीह क्षेत्र के हैं, जिला रो हैं, वो वीडियो बना रहे थे जिसमें जो है पीडब्ल्यूडी का ईंटा जो है प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय मटका के जो है अंदर करवा रहे थे, बच्चों से ढुलवा रहे थे। वो खड़े थे और बच्चे ईंटा ढो रहे थे, वो जो सूरत पत्रकार वीडियो बना रहे थे तो जो उन्होंने देखा कि ईंटा जो है पीडब्ल्यूडी का जो है हम ढुलवा रहे हैं और अंदर जा रहा है, और ये सूरत पत्रकार जो है वीडियो बना रहे हैं तो पहुंचे और सूरत पत्रकार को जो है गला दबाने लगे और मोबाइल उनका छीन लिया अंदर, और ये करते हुए पकड़ के अंदर घसीट कर ले। पीडब्ल्यूडी में हम यहाँ ये ईंटा ढुलवा रहे हैं। आप क्या हैं पीडब्ल्यूडी में? अरे हम कर्मचारी हैं। तो क्या क्या हुआ आज तुम्हारे यहाँ पर? यहाँ पे ये हुआ है कि ये यहाँ पे ईंटे 2 मीटर का इन्होंने अपने सामने का उठवा लिया। कौन सा रास्ता है ये? ये पीडब्ल्यूडी का है। नहीं, रोड कहाँ से? ए सलवन जगतपुर। पेरेंट्स बच्चे को अपने भविष्य बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन इस तस्वीरों के देखकर सवाल आखिर ये उठता है कि प्रधानाध्यापक बच्चों से ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बलवंत हमारे साथ जुड़ेंगे। बलवंत, देखा जाए तो स्कूलों में बच्चों के भविष्य बनाने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन वहां पर तो कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। वहां पर बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है। जी, आपको बता दूं कि देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहाँ एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं रायबरेली जनपद में जिस तरह बच्चों से बाल श्रम करवाने आए दिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी मामले को संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं शिक्षा की तरफ, और बड़े बड़े स्कूलों में बोर्ड में लिखा है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, काफी ये तो सुहाना देता है, लेकिन बहुत ही इस समय देखने को मिल रहा है कि रायबरेली जनपद की प्राथमिक विद्यालय जो है शिक्षा बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा ही एक मामला सलोन थाना क्षेत्र के मटका गांव में देखने को मिला, जहां पर एक स्थानीय पत्रकार द्वारा उस
आज माध्यम यूपी बोर्ड के पेपर चल रहे थे और कवरेज करने के लिए पत्रकार निकला हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा ईंटें चोरी करवाई जा रही थी बच्चों से, यह सबसे निंदनीय कार्य था। जी बलवंत, आखिर सवाल ये उठता है कि पीडब्ल्यूडी का काम बच्चों से क्यों करवाया जा रहा है? जी आपको बता दूं कि ये तो अध्यापकों की लचरकार शैली और उनके संयम कैसी आत्मा है, इनकी मानसिकता जो है गिरती हुई नजर आ रही है। जो इस तरह से घिनौना कार्य करवाया जा रहा है बच्चों से, चोरी, जहां अध्यापक अपने अपने जो माता पिता अपने बच्चों को अगर देखा जाए तो अध्यापकों के पास भेजते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन वही काम अध्यापकों से चोरी और ऐसे घिनौने कार्य कराए जा रहे हैं, तो निंदनीय कार्य है। जी, क्या इस पूरे मामले में आपने किसी बड़े अधिकारी से बातचीत की है, जिस तरीके से बाल श्रम करवाया जा रहा है बच्चों से? इसमें हालांकि सीओ सलोन को जानकारी दी गई थी। सीओ सलोन ने जानकारी देते हुए बताया कि ये मामला मेरे स्तर का नहीं है, शिक्षा के मामला है, तो इस प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पे अवगत भी कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई हालांकि नहीं हो रही। तो फिर प्रशासन इस तरीके से क्यों कर रहा है? क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से बाल मजदूरी करवाया जा रहा है, वहां पर प्रधानाध्यापक ने अभद्रता भी की है। जी आपको बता दें कि सबसे बड़ी अभद्रता तो की है, एक पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, आज वो भी सुरक्षित नहीं। अध्यापकों द्वारा अगर किसी को कवरेज करने निकला था, वो माध्यमिक, हालांकि माध्यमिक यूपी बोर्ड पेपर चालू कवरेज के लिए निकला था पत्रकार और उसके साथ निकला है क्षेत्र में, तो ये घटना देखा उसने कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन अध्यापकों द्वारा जिस तरह पत्रकार के साथ अभद्रता की गई, ये बहुत ही संवेदनशील और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हनन हो रहा है। इस पूरे मामले पे जिन बाल बच्चों से मजदूरी करवाया जा रहा है उनका, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजनों ने तो बताया है कि बहुत ही निंदनीय कार्य है उनके जो इस तरह का गंदा काम करवाया जा रहा है। जी बलवंत, देखा जाए स्थानीय पत्रकार के साथ जिस तरीके से अभद्रता की गई है, तो क्या कुछ उनका कहना है? पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है, लेकिन पत्रकार ने इसकी शिकायत सीओ मामले सलोन को दी भी गई थी, लेकिन मामला सलोन ने अपना पल्ला, सीओ क्षेत्राधिकारी सलोन ने पल्ला अपना झाड़ते हुए बताया कि ये मामला हमारे बाहर है, बाकी बीएसए का मामला है, वो जानकारी करेंगे। प्रशासन देखा जाए तो प्रधानाध्यापक पे कार्यवाही करने से क्यों डर रहा है? ये तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर, जिले के डीएम माला श्रीवास्तव भी केवल खाना पूर्ति के लिए, और हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी श्रीवेंद्र प्रताप सिंह है वो भी खाना पूर्ति अध्यापकों पर कर रहे हैं। हालांकि ये सरकार की कहीं ना कहीं मंशा के अनुरूप है, जो एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही यूपी को सशक्त बनाने के लिए साधारण कर रहे हो, लेकिन रायबली जनपद में ही उसका अलग नजारा देखने को मिल रहा है। बलवंत, इस पूरे मामले के बीएसए की कुछ क्या कुछ जानकारी मिली है? बीएसए को हालांकि अवगत भी कराया गया, तो बीएसए का उस समय हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन उठाना रिसीव नहीं, मुनासिब नहीं समझे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलवंत। चलिए एक बार फिर से सुनाते हैं आपको क्या कुछ प्रधानाध्यापक ने अभद्रता की है, क्या कुछ वहां पर स्थानीय लोगों का कहना है। जो है कि 2023 का यूपी बोर्ड परीक्षा चल रहा था, तो इसी के सिलसिले में हम आज स्कूलों में निकले थे, तो रास्ते से गुजर रहा था तो ग्राम सभा एक मटका पड़ा, तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का ईंटा जो है प्राइमरी के विद्या अध्यापक जो है बच्चों से ईंटा चोरी करवा के जो है स्कूल के अंदर ले जा रहे थे। उसके बाद जब हमने ये देखा तो हमने वीडियो बनाना चालू किया, उसके बाद हमसे पूछे आप कौन है, हमने बोला मैं सूर्या टीवी का पत्रकार हूँ, तो उन्होंने हमें पकड़ के ले गए अंदर से, बोले वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा दूंगा और तुमको अभी यहीं पर मारूंगा। अरे कल्लू, आज हम जो है रोड से जा रहे थे तो सूरत पत्रकार हैं एक अग्रहरी जो डी क्षेत्र के हैं, जिला रो हैं, वो वीडियो बना रहे थे जिसमें जो है पीडब्ल्यूडी का ईंटा जो है प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय मटका के जो है अंदर करवा रहे थे, बच्चों से ढुलवा रहे थे, वो खड़े थे और बच्चे ईंटा ढो रहे थे,
जो सूरत पत्रकार वीडियो बना रहे थे, तो जो उन्होंने देखा कि ईंटा जो है पीडब्ल्यूडी का जो है हम ढुलवा रहे हैं और अंदर जा रहा है, और ये सूरत पत्रकार जो है वीडियो बना रहे हैं, तो पहुंचे और सूरत पत्रकार को जो है गला दबाने लगे और मोबाइल उनका छीन लिया अंदर, और ये करते हुए पकड़ के अंदर घसीट कर ले। पीडब्ल्यूडी में हम यहाँ ये ईंटा ढुलवा रहे हैं। आप क्या हैं पीडब्ल्यूडी में? अरे हम कर्मचारी हैं। तो क्या क्या हुआ आज तुम्हारे यहाँ पर? यहाँ पे ये हुआ है कि ये यहाँ पे ईंटे 2 मीटर का इन्होंने सामने का ढुआ लिया। कौन सा रास्ता है ये? ये पीडब्ल्यूडी का है। नहीं, रोड कहाँ से? सलवन जगतपुर। पीडब्ल्यूडी का ईंटा जो है प्राइमरी के विद्या अध्यापक जो है बच्चों से ईंटा चोरी करवा के जो है स्कूल के अंदर ले जा रहे थे। उन्होंने हमें पकड़ के ले गए अंदर से, बोले वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा दूंगा। और ये सूरत पत्रकार जो है वीडियो बना रहे हैं, तो पहुंचे और सूरत पत्रकार को जो है गला दबाने लगे और मोबाइल उनका छीन लिया अंदर, और ये करते हुए पकड़ के अंदर घसीट कर ले गए। तो सुना आपने, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की बर्बरता को देखा है, जिसमें एक स्थानीय पत्रकार भी शामिल था। इस दौरान उसके साथ भी प्रिंसिपल ने अभद्रता की है। तो देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। Thank you.